शासन द्वारा लगभग 3 महीने पूर्व 68,500 के तहत 41,556 सापेक्ष 596 सहायक अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालय में तैनाती दी गई थी, लेकिन तैनाती के लगभग 3 माह बीत जाने के बाद भी इन सहायक अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते तैनाती के लगभग 3 माह बीत जाने के बाद भी इन सहायक अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है, जिसका मूल कारण है कि उनके शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन ना होना, जिसके चलते इन सहायक अध्यापकों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है और अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए कर्ज देना पड़ रहा है। अपने वेतन की मांग को लेकर यह सहायक अध्यापक आज DSA कार्यालय पहुंचे और अपने वेतन की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। इस बारे में हमने धरने में शामिल शिक्षिका हर्ष छोकर से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी नियुक्ति मथुरा ब्लॉक के नगला माना में है। मेरी नियुक्ति 68,500 भर्ती प्रक्रिया के तहत हुई थी, तभी से हम अपने विद्यालय में प्रतिदिन सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमें अपना वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हमें जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताएं क्या नाम है आपका? सर मैं रवि कुमार शर्मा जी, क्या नगला डोम बंदे मैं अध्यापक हूँ जो कि 68,500 में चयनित हूँ। सर हम लोगों को लगभग 4 महीने हो गए हैं, मेरे घर से मेरा विद्यालय लगभग 30 किलोमीटर दूर है और आने जाने में लगभग 60 किलोमीटर हो जाता है। मैं 4 महीने से सिर्फ अपनी जेब से पेट्रोल के पैसे डाल रहा हूँ, घर वालों से पहले भी मांगता था अब भी मांग रहा हूँ। घर वालों को उम्मीद थी कि आर्थिक स्थिति घर की सुधर जाएगी, बेटा नौकरी से लग गया है, लेकिन सर 4 महीने होने के बावजूद मैं घर पर अभी भी बोझ ही बना हुआ हूँ। मेरी फैमिली है उसके लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें। सर मैं कोशिश करता हूँ रोज़ाना स्कूल पहुँचकर और अपना पूरा 100% देकर जितना अच्छा उच्च स्तर की शिक्षा दे पाऊँ उतने उच्च स्तर की शिक्षा देता हूँ। उसके बावजूद सर लेकिन जब मेरे मानसिक रूप से मेरी प्रताड़ना होगी या फिर मेरे को किसी भी आर्थिक रूप से तंगी होगी तो मैं सर 100% अपना 100% कैसे दे पाऊँगा? सर मेरी कुछ भी कोई मांगे नहीं है, यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से किसी बंदे की कोई मांग नहीं है, लेकिन हम सभी लोग समूह में ये चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों का अतिशीघ्र यहाँ पर वेतन निर्गत कराया जाए, जिससे कि सर हम लोग जिस भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं वो हमारी आर्थिक स्थिति दूर हो सके। हम लोग सर DSA साहब के बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे अगर समय रहते वो कर दें। जैसा सर हमने पहले भी सर से बात की हुई है, सर का रवैया हमारे लिए पॉजिटिव तो रहा है लेकिन उसके ऊपर वो खड़े नहीं उतर पाए। हम लोगों ने कई बार बात की है, उनका रहता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये नहीं पता सर। बाकी जिलों में भी सत्यापन हो रहा है, कई जिलों में सत्यापन होने के बाद में वेतन भी निर्गत हो चुका है, आदेश हो चुके हैं, लेकिन सर मथुरा ही पीछे क्यों? और मथुरा पीछे ही नहीं अभी तो यहाँ पर तो सर हम लोग इस प्रताड़ना से जूझ रहे हैं कि हमारा वेरिफिकेशन कार्य भी स्टार्ट नहीं हुआ है। और मेरी जो नियुक्ति है वो मथुरा ब्लॉक के नगला माना विद्यालय है उसमें है। और सर हम आज जो सभी शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं, हम सभी 68,500 में चयनित अध्यापक हैं जिनका करीब 4 महीने पहले नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो BSA सर हैं उन्होंने अभी तक सत्यापन का कार्य भी शुरू नहीं कराया है और जिस वजह से हमें अभी तक अपना वेतन भी नहीं मिल पाया है। तो वही हम जो है ज्ञापन देने यहाँ आए हैं, लेकिन जो सर हैं बाहर BSA सर तो है नहीं, लेकिन हमारा ज्ञापन भी नहीं लिया जा रहा है यहाँ। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या होगा? सर अगर हम नहीं मानी जाती हैं तो फिर हम धरना करने के लिए बाध्य होंगे फिर तो।